जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर जो अभी अभी एक बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है ना, बहुत ही भयंकर खबर है। शायद हो सकता है कि उस खबर को देखने के बाद आप डर जाए, लेकिन क्योंकि दोस्तों न्यूज अपडेट्स बताना ही आपके डीएलएस भाई का काम है, इसीलिए मैं आपको वो खबर बता रहा हूँ। लेकिन जरा दिल को मजबूत कीजिए और थामिए अपने दिल को और देखिए इस खबर को कि आखिर क्या कहती है ताजा न्यूज रिपोर्ट। बड़ी खबर आप देख पाएंगे दोस्तों कि अगर नहीं चेते तो मई तक देश में 13 लाख तक पहुंच सकते हैं कोरोना संक्रमित मामले। जी हाँ दोस्तों, ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा नहीं है। 10 से 13 लाख तक के लोगों के बीच में भारत में कोरोना संक्रमण हो सकता है। वैज्ञानिकों की चेतावनी निकल कर आ रही है कोरोना के कहर को बढ़ते हुए देखते हुए। आइए आपको बता दें दोस्तों कि आखिर अभी भारत में कितने कोरोना संक्रमित केस पहुंच चुके हैं। लाइव न्यूज अपडेट्स आप देख पाएंगे, अभी अभी का ताजा अपडेट आ रहा है। गुजरात में 43 पहुंच चुकी है कोरोना मरीजों की संख्या और देश भर में अब तक 639 केस सामने आ चुके हैं। वहीं जहां कल तक 10 लोगों की मौत की खबर थी, वो अब 15 तक पहुंच चुकी है। कोरोना का कहर जैसे जैसे दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है, हिंदुस्तान में भी इससे निपटने के लिए हालांकि दोस्तों मोदी सरकार ने 21 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया, जिसका आज दूसरा दिन है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से आम लोगों को जरूरी सामान की किल्लत जरूर हो रही है, लेकिन सरकार जो है उन लोगों को मदद पहुंचाने की लगातार कोशिश भी कर रही है। और ये जरूरी भी है दोस्तों लॉकडाउन, वरना इस कोरोना के संक्रमण पर लगाम लगाना शायद मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता। अभी देखिए दोस्तों, लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के संक्रमण की संख्या 639 तक पहुंच चुकी है। देश में मरने वाले लोगों का आंकड़ा 15 तक पहुंच चुका और अभी जो ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है ना, ये होश उड़ा देने वाली खबर है। कोई छोटी मोटी खबर नहीं। देख पा रहे कि मई के मध्य तक 13 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं कोरोना वायरस से भारत के अंदर। आखिर वैज्ञानिकों ने क्या रिपोर्ट बताई है, आइए आपको बता दें थोड़ी बड़ी खबर विस्तार से। तो देख पा रहे कि वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने चेतावनी दी है दोस्तों कि भारत में मई 2020 महीने तक कोरोना वायरस से संक्रमित पुष्ट मामलों की संख्या 1 लाख से लेकर 10 लाख से लेकर 13 लाख तक हो सकती है। शोधार्थियों की एक टीम द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट COVID-19 में कहा गया है दोस्तों कि महामारी के शुरुआती चरण में अमेरिका और इटली के मुकाबले भारत में पॉजिटिव मामलों को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल जरूर रहा, लेकिन इस आकलन में एक जरूरी चीज छूट गई और वह है इस वायरस से सचमुच में प्रभावित मामलों की संख्या। तो दरअसल वैज्ञानिकों की इस टीम में अमेरिका के जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय की देवश्री रॉय भी शामिल है। वैज्ञानिकों ने कहा दोस्तों कि ये बात जांच के दायरे, जांच के नतीजों की सटीकता और उन लोगों की जांच पर निर्भर करती है जिनमें इस वायरस से संक्रमण के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अभी तक भारत में जांच किए गए लोगों की संख्या तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। व्यापक जांच नहीं होने की स्थिति में सामुदायिक स्तर पर संक्रमण को रोक पाना असंभव है और इसका यह मतलब है कि हम ये आकलन नहीं लगा सकते कि अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के बाहर कितनी संख्या में संक्रमित व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा दोस्तों कि भारत के लिए यह बात जरूरी है कि वह देश में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से फैलने के पहले बेहद कड़े उपायों को अपनाए और आखिर सरकार ये कर भी रही है। गौरतलब है दोस्तों की स्थितियों की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार रात 8 बजे ही 21 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। वैज्ञानिकों ने अपने विश्लेषण में 16 मार्च तक भारत में दर्ज मामलों के जुड़े आंकड़ों का इस्तेमाल किया और उन्होंने किसी एक समय पर संक्रमित संख्या का जो अनुमान लगाया वो वाकई में चौंका देने वाला और होश उड़ा देने वाला। भारत के लिए लगाए गए अनुमान की तुलना अमेरिका और इटली से की। वैज्ञानिकों ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, नई दिल्ली और मिशिगन विश्वविद्यालय अमेरिका के वैज्ञानिक शामिल हैं इस जांच के आंकड़ों में। उन्होंने विश्व बैंक के डेटा का जिक्र करते हुए कहा दोस्तों कि भारत में प्रति हजार व्यक्ति बेड की संख्या सिर्फ 0.7 है, जबकि फ्रांस में ये 6.5 है, दक्षिण कोरिया में 11.5 है, चीन में 4.2 है, इटली में 3.4 है और अमेरिका में 2.8 है। वैज्ञानिकों ने कहा दोस्तों कि मामलों की संख्या ज्यादा होने पर भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वालों के लिए इससे निपट पाना असंभव हो जाएगा। रिपोर्ट में भारत की आबादी की शामिल जोखिम ग्रस्त समूह की भी पहचान की गई है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा भारत में जनसंख्या पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इसीलिए ये स्थिति भी बन सकती है। और इसीलिए सबसे जो जरूरी बात यहाँ पर ध्यान देने वाली यही है दोस्तों कि पीएम मोदी जी ने जो कहा देश के अंदर लोगों से जो अपील की, हाथ जोड़कर जो रिक्वेस्ट की कि 21 दिनों तक लॉकडाउन है तब तक आप अपने घरों से बाहर न जाएं, उन दिशा निर्देशों का, उन नियमों का जरूर पालन करें। आप अपने घर की दहलीज के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींच दें और ये दृढ़ संकल्प बना ले दोस्तों कि 21 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलना, नहीं निकलना, नहीं निकलना, मतलब नहीं निकलना। कोरोना मतलब कोई रोड पर नहीं जाएगा, ना जाएगा कोई रोड पर, ये स्टैंड फॉर भी पीएम मोदी जी ने कहा है और इसका पालन करें। ये जो अनुमान है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वैज्ञानिकों की एक टीम ने लगाया और अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश आपको पता होगा, वो भी जब कोरोना के कंट्रोल पर अभी तक भी पूरी रूप से नियंत्रण नहीं पा सका। तो जरा सोचिए, कोरोना के अंदर कल ही 10,000 नए मामले देखे गए, 1,000 नए लोगों की मौत भी हुई है। अध्ययन में COVID-19 इंडिया स्टडी समूह के वैज्ञानिकों ने भी इस बात का अंदाजा लगाया और ये पता लगाया दोस्तों कि भारत में इस बीमारी का खतरा कितना बड़ा है। समूह में शामिल डेटा वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में जांच दर बहुत कम है। 18 मार्च को देश में कोरोना टेस्ट के लिए 11,500 सैंपल मिले थे और कुल मिलाकर के अगर ये स्थितियां बनी रही तो मई तक 13 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं और ये आंकड़ा जब पहुंच गया तो देश में स्थिति बहुत ज्यादा इमरजेंसी में आ जाएगी, बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी। और इससे पहले कि हम अभी ही
सचेत हो जाए, अलर्ट हो जाए। और इसलिए मैंने आपको ये खबर भी बताई कि आप सीरियस होकर के पीएम मोदी गवर्नमेंट के दिशा निर्देशों का पालन करें और सीरियस होकर के दिल से सच्चे विश्वास के साथ, सच्चे आत्मसमर्पण और आत्मविश्वास के साथ, खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप देश में चल रहे लॉकडाउन को निभाएं। घरों से बाहर ना जाएं, बिना वजह किसी भी इमरजेंसी काम के बगैर, आप जरूरी काम इंपोर्टेंट टास्क के बगैर घर से बाहर ना निकलें, कदम भी ना रखें, तो ये ज्यादा बेहतर होगा देश में संक्रमण को रोकने के लिए, आपके लिए भी, आपके परिवार वालों के लिए, दोस्तों मित्रों के लिए और पूरे हिंदुस्तान देशवासियों के लिए ये चीज फायदेमंद होगी। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन न्यूज अलर्ट अपडेट आपको जानने में लगा। वैसे दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको घर से बाहर जाए हुए कितने दिन हो चुके हैं, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना ताकि मुझे ये पता तो चले कि आखिर हमारे दोस्तों मित्रों में से कितने लोग जो डीएलएस न्यूज फैमिली के मेंबर्स हैं वो आखिर लॉकडाउन का कितना दिल से विश्वास से काम कर रहे हैं, काम ले रहे हैं, निभा रहे हैं लॉकडाउन को। तो आपको घर से बाहर जाए हुए कितने दिन हो गए कमेंट करके बताइएगा मुझे, और साथ ही इस वीडियो को दिल से लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करना, और साथ ही अगर आप डीएलएस न्यूज पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे, रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।